तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा, मैं महाभारत देख रहा था। वैसे आज है रामनवमी, यानी कि भगवान श्री राम का जन्मदिन है आज, और मैं महाभारत देख रहा हूँ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन कल शाम से चालू किया था महाभारत देखना। कल शाम को तकरीबन 2 एपिसोड देखे थे और आज 1 एपिसोड देख रहा हूँ। क्या करें यार, बैठे बैठे बोर हो रहे। कुछ देखने के लिए अच्छा चीज़ नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पे कितने वीडियो देख ले, कितने स्वाइप अप कर ले, कितना टिकटॉक घुमा ले, लेकिन फिर सोचा कि चलो महाभारत देखना चालू करते हैं। तो महाभारत देखते हुए कई सारे सवाल मेरे मन में आए, ठीक है। तो फिर मैंने उसका रिसर्च थोड़ा किया कि डिटेल निकाली, क्या है, कौन है, किसने बनाया था। तो महाभारत पहली चीज़ तो किस लिए हुआ, आप सबको पता है। हस्तिनापुर जो है जगह, वहाँ पे इन लोग सब मतलब राजा थे महाभारत में, कि हस्तिनापुर नगरी थी। तो उसकी वजह से ये बैटल हुआ कि वहाँ का राजा कौन बनेगा। किसके बीच में हुआ महाभारत, सवाल नंबर 2। तो ये है पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ। अभी हस्तिनापुर कहाँ आता है? हस्तिनापुर मतलब ये जो बैटल है वो कुरुक्षेत्र बैटल हुई थी, जो कि आज के हरियाणा में कोई कस्बा होगा उसके अंदर आ पड़ता है अभी का जगह। अभी सोचने वाली बात ये है कि महाभारत टीवी पर्दे बिग स्क्रीन पे दिखाना कितनी मुश्किल वाला काम होगा, उस समय जब किसी के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, और ये सब क्रिएट करना। ये महाभारत 1988 से लेके 1990 तक इसको शूट किया गया था, और ये शूट किया था बलदेव राज चोपड़ा ने ये शूट किया था, जो कि यश राज, आप सबको पता होगा उसके बड़े भाई हैं यश राज चोपड़ा के, उसने ये पूरा डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। आपको क्या लगता है कि महाभारत में सबसे बड़े कैरेक्टर कौन से रहे होंगे? मेरे ख्याल से 2 कैरेक्टर थे। एक तो है मामा शकुनी, जिसका शातिर दिमाग, उसकी दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं था। और दूसरा नंबर पे है वो है भगवान कृष्ण, ठीक है, वो भी उसको टक्कर दे। वैसे दोनों पार्टियों में एक एक ऐसा कैरेक्टर था दोनों साइड में, कि मतलब जिसके पास तेज दिमाग था। फर्क खाली इतना था, एक की मंशा गलत थी और एक की मंशा सही थी। यहाँ तक मैंने भी देखा है, अब मेरे को भी आगे एपिसोड देखना है। मैं देख के आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या हुआ। आप लोगों के लिए 2 सवाल है। पहला ये सवाल है कि भाई पांडवों, उसके पिता पांडु राजा थे और उसका भाई धृतराष्ट्र था, तो उन दोनों के पिता का नाम क्या था, आप यहाँ पे बता सकते हैं। को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए डीसी फॉर श्योर। धन्यवाद।